घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? पुष्पा 2 को बनाने की है ये 3 वजह। आखिर क्यों बनाई जा रही है पुष्पा 2? फिल्म को बनाने के क्या है 3 कारण? कुछ फिल्मी कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड पे पूरी तरह से छा जाते हैं, और ऐसा ही एक ही कैरेक्टर है जिनका कहना है कि कुछ भी हो पर मैं झुकेगा नहीं साला। इस डायलॉग से आप ये सब समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुष्पा राज की, और शायद इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के दूसरे पार्ट यानी पुष्पा 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी, जिसके बाद फैंस का सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर क्या होगी पुष्पा 2 की स्टोरी। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि क्या होने वाली है पुष्पा 2 की स्टोरी। गाइस, ये तो आपको याद होगा ही कि फिल्म के पहले पार्ट में सिर्फ एक ही विलेन मौजूद था, और वो था अपने भंवर सिंह शेखावत। पर पुष्पा 2 में होने वाली है एक और खतरनाक विलेन की एंट्री। जी हाँ, अगर आपको याद ना हो तो फिल्म के पहले पार्ट में रेड सैंडलवुड की कहानी दिखाई गई थी, जिसके आस पास ही पूरी फिल्म की स्टोरी थी। तो उसी के बॉस को पुष्पा में मेन विलेन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। जी हाँ, इस बार पुष्पा का सामना एक नहीं बल्कि दो विलेन से होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिल्म के शूट को KGF 2 के शूट के वजह से रोक दिया गया था, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर स्टोरी में कुछ चेंजेस चाहते थे। तो शायद फिल्म में KGF और पुष्पा का मैशअप यानी दोनों फिल्मों की स्टोरी और एक्टर्स को एक साथ रख के भी कोई स्टोरी बनाई जा सकती है, या शायद KGF 2 से ही लिया जाए फिल्म के दूसरे और मेन विलन को। तो अब देखना यह है कि आखिर क्या होती है पुष्पा 2 की स्टोरी, और क्या पुष्पा 2 तोड़ पाएगी पुष्पा का रिकॉर्ड। खैर, ये तो फिल्म और फिल्म के शूट, रिलीज, स्टोरी और कास्ट से जुड़ी कुछ बातें, पर आप हमें कमेंट करके सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी इस फिल्म से जुड़ी हमारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, और आपको क्या लगता है कि फिल्म में दूसरा विलेन की एंट्री से क्या और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है फिल्म की स्टोरी। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि क्या आपको भी है फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार। तो ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी चटपटी और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।